YouTube ऐप पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट जो है देखने को मिल जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल न्यू गैजेट्स में। और आज हम क्या लेके आए हैं, Xiaomi Mi A1 के टॉप 6 प्लस हिडन फीचर टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ट फीचर, जिससे कि आप अपने फोन को जो है और बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये Xiaomi Mi A1, जिसके हम ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुके हैं और ये काम करता है 7.1.2 स्टॉक एंड्रॉइड पे। तो करते हैं बात हम टॉप 6 प्लस हिडन फीचर की, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन से हिडन फीचर जो है देखने को हमें मिलते हैं। तो पहले हिडन फीचर की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्वाइप फॉर नोटिफिकेशन। आप सारे फोन में जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पैनल ओपन करते होंगे, बट मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर को मैं यहाँ से नीचे की साइड में स्लाइड करता हूँ, मेरा जो नोटिफिकेशन पैनल है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली जो है इस तरीके से नीचे की साइड में स्वाइप करना है और आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बेनिफिट आपको ये शॉर्टकट ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेटिंग में, सेटिंग में आप जैसे जाएंगे आपको नीचे की साइड में मिलेगा गेस्चर का ऑप्शन। गेस्चर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको मिलेगा स्वाइप फॉर नोटिफिकेशन, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जिससे कि आप शॉर्टकट नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर सकते हैं और अपने नोटिफिकेशन को जो है आप सीन कर सकते हैं। तो सेकंड फीचर की बात करते हैं तो वो है पिन टू स्क्रीन। आप किसी भी डिस्प्ले को जो है पिन कर सकते हैं होम स्क्रीन के लिए। लाइक यहां पर जो है मैंने रिसेंट में ओपन किया है जीमेल, आपको उस एप्लीकेशन को या फिर उस लोगो को या फिर उस इमेज को जो है रिसेंट में ओपन करना होगा। रिसेंट में ओपन करने के बाद में आप इस तरीके से जो है आपको पिन का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करके गॉट इट करेंगे तो आपका ये जो है पिन हो चुका है। अब आप इसको ना तो बैक ले सकते हैं ना ही होम ले सकते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपका जो है पिन है। अगर आप इसको अनपिन करना चाहते हैं तो आप बैक की को लॉन्ग प्रेस कीजिए, आपका ये जो है अनपिन हो जाएगा। इस पिन वाले ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आप जैसे जाएंगे आपको नीचे की साइड में ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन, जहाँ पर इसको आप ऑन भी कर सकते हैं और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। तो थर्ड हिडन फीचर की बात करते हैं तो वो है शॉर्टकट कैमरा लॉन्च। आपको यहाँ पर जो है पावर ऑफ की को जो है दो बार प्रेस करना होगा और आपको जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन यहाँ पर गेस्चर का। गेस्चर के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है मिलेगा ट्वाइस प्रेस, यहाँ पर जंपिंग टू कैमरा का ऑप्शन जो है मिल पाएगा। आप इस जंप टू कैमरे को जो है अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, आप इसको ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो, जिससे कि आप शॉर्टकट कैमरा जो है यूज कर पाएंगे। नंबर फोर्थ फीचर की बात करते हैं तो वो है डुअल रियर कैमरा। डुअल रियर कैमरा एक हिडन फीचर नहीं है, डुअल रियर कैमरा एक बेस्ट फीचर है। जहां पर आपको जो है दो कैमरे मिलते हैं वहां पर इसका बेनिफिट ये है, एक आपको मिलता है वाइड एंगल के लिए और एक मिलता है टेलीफोटो के लिए। जैसे ही आप कैमरा ओपन करेंगे, कैमरा ओपन करने के बाद आपको यहां पर जो है ऑप्शन मिलता है इस चीज का, तो यहां पर कॉर्नर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस चीज में आप टेलीफोटो कैप्चर कर सकते हैं। लाइक यहां पर जो है आप जिस ऑब्जेक्ट का जो है फोटो कैप्चर करना चाहते हैं उस पर आप प्रेस करेंगे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। लाइक मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं, आप इस तरीके से जो है आप अपनी फोटो जो है कैप्चर कर सकते हैं टेलीफोटो के साथ में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दूसरे कैमरे की जो है वाइड एंगल। वाइड एंगल का बेनिफिट ये होता है कि आपको जो है बैकग्राउंड भी जो दिखाना होता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, तो वो वाइड एंगल जो है साथ में काम आता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डुअल रियर कैमरा एक बेस्ट फीचर है इस फोन के अंदर। तो फिफ्थ फीचर की बात करते हैं, यहाँ पर जो आपको मिलता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ के लिए। यहाँ पर जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आपको नीचे की साइड में ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर शेड्यूल पावर ऑन एंड ऑफ। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है दो ऑप्शन मिलते हैं, शेड्यूल पावर ऑन और शेड्यूल पावर ऑफ। यहाँ पर जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप ऑफिशियल काम करते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे जो है रात के 12 बजे बाद या फिर रात के 8 बजे बाद में जो है मुझे कोई कॉल नहीं है या फिर ऑटोमेटिक जो है फोन स्विच ऑफ हो जाए, तो आप इस तरीके से शेड्यूल सेट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं 8 बजे तक। जब तक आपको ऑफ चाहिए इस फोन को आप टाइम सेट कर सकते हैं ऑन करने के लिए, जो है आप मॉर्निंग टाइम जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं ऑफिशियल पर्पज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है ऑफिशियल पर्सन के लिए जो है बहुत ही बेनिफिट है कि ऑफिशियल सिम पे जो भी कोई भी कॉल है वो नहीं आने चाहिए मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर। तो यहां पर एक बहुत ही बेनिफिट ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलता है यहां पर शेड्यूल पावर ऑन और शेड्यूल पावर ऑफ का। नंबर सिक्स फीचर की बात करते हैं तो वो है गेस्ट मोड। गेस्ट मोड आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेटिंग में, सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा यहां पर यूजर्स का। यूजर्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है फर्स्ट यू ऑनर, मतलब जो भी होम स्क्रीन मतलब मेन जो पार्ट है वो यू है, मतलब तुम ऑनर हो उस चीज के। आप उसको क्रिएट कर सकते हो गेस्ट मोड पे, मतलब सेकंड एक विंडो भी आप जो है क्रिएट कर सकते हो, लाइक दूसरा पर्सनलाइज हम ओपन कर सकते हैं उसके अंदर। आप कोई जो है प्राइवेट चीज आप जो है गेस्ट मोड के अंदर डाल सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं ऐड यूजर्स पे क्लिक करके। उसके बाद आपको जो है जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा, वो एक जो है सेपरेट विंडो जो है आपकी बन जाएगी। आपके गेस्ट मोड वाले फोटोज या कोई भी जो एप्लीकेशन है आपके होम स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, मतलब ऑनर वाले में नहीं दिखेगी।
ऑनर वाली जो एप्लीकेशन या फिर फोटोज वगैरह है वो आपके गेस्ट मोड में नहीं दिखेंगी, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है इस फोन के साथ में। इसके अलावा 7th फीचर की बात करते हैं तो वो है कलर इन्वर्जन। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड जो है ये व्हाइट है, अगर मुझे इस बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो मुझे जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कलर इन्वर्जन का, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे जो है बैकग्राउंड वो हो जाएगा ब्लैक, जैसे कि आप जो है और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक अच्छा ऑप्शन जो है देखने को मिलता है कलर इन्वर्जन का, और यहाँ पर जो है कलर करेक्शन का भी ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, आप इस तरीके के कलर में जो है आप किसको करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है बेटर ऑप्शन मिल रहा है जो कि बैकग्राउंड के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, जिससे कि हमारी आईज पे जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ में आपको जो है इस तरीके के जो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मैग्निफिकेशन, गेस्चर, कैप्शन का ऑप्शन भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपका क्या मानना है इस फोन के बारे में, आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जो है आपको न्यू गैजेट्स का आइकन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।